ATK Mohun Bagan FC are all set to face Kuala Lumpur City FC in the interzonal semi-final of the AFC Cup. तो यहाँ पर ATK Mohun Bagan जीतेगी कुआलालंपुर सिटी से या फिर नहीं, हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट ऋषभ एके फुटबॉल गीक और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और माफी भी मांगना चाहूंगा कि कुछ दिन यहाँ पर ब्रेक हो गया था वीडियोस में, मगर वापस आ गया हूँ क्योंकि ATK Mohun Bagan का इम्पोर्टेंट मैच आ गया है एंड इंडियन फुटबॉल के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है क्योंकि हमारी ATK Mohun Bagan रिप्रेजेंट करने जा रही है इंडिया को इन द AFC कप अगेंस्ट कुआलालंपुर सिटी FC जो कि मलेशिया के टॉप टायर में खेलते हैं और इनसे मैच है 7th of September को शाम को 7 बजे। ये AFC कप का मैच है, ये आपको देखने को मिलेगा हॉटस्टार स्टार स्पोर्ट्स पर, तो जरूर देखिएगा और अगर आप कोलकाता में हैं तो सॉल्ट लेक स्टेडियम जरूर जाइएगा ATK Mohun Bagan को सपोर्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में दोनों टीम्स की रीसेंट परफॉर्मेंस, दोनों टीम्स के चांसेस इस मैच को जीतने के और आगे AFC कप में बढ़ने के। तो पहले हम ATK Mohun Bagan से शुरुआत करेंगे। तो ATK Mohun Bagan का आपको सबको पता ही है कि दुरांत कप में सफर अच्छा नहीं रहा एंड मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज दुरांत कप उनका फोकस भी नहीं था, फोकस AFC कप है और AFC कप का ये इंपॉर्टेंट गेम है जो कि खेलने जाने वाला है कल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है ATK Mohun Bagan के लिए क्योंकि अगर ये जीतते हैं तो आगे पहुंच जाएंगे AFC कप में और चांसेस उनके AFC कप जीतने के और पहली बार इंडियन क्लब के AFC कप जीतने के बढ़ जाएंगे। मगर दुरांत कप की परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं रही है अभी तक ATK Mohun Bagan की, 3-5-2 की फॉर्मेशन खिलाई है, बहुत सारे प्लेयर्स भी साइन करे हैं, पोगबा फ्लोरेंटिन पोगबा साइन किया है, आशिक साइन किए हैं, आपके राइट पर आशीष साइन किए हैं, तो अच्छी साइनिंग्स तो करी हैं बट कुछ साइनिंग्स मैं कहूंगा जैसे फ्लोरेंटिन पोगबा है वो थोड़े स्लो है और जब कोई पेस अटैकर सामने आ जाता है उनको फॉल बैक कर उसको पकड़ने में प्रॉब्लम होगा एंड विंग्स भी थोड़ी वीक हैं बिकॉज सुभाशीष एंड प्रीतम खेल रहे हैं एंड जिस तरीके से प्रीतम आउटप्लेड हुए थे अगेंस्ट राजस्थान यूनाइटेड FC जो कि क्वालिफाई करी है इस ग्रुप से जिसमें ATK Mohun Bagan थी दुरांत कप में और मुंबई सिटी क्वालिफाई करे हैं, उनके अगेंस्ट प्रीतम की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और उसी के कारण मुझे थोड़ी सी यहाँ पर परेशानी हो रही है कि क्या ATK Mohun Bagan ये मैच जीत पाएगी क्योंकि डिफेंस एक चीज है जो ATK Mohun Bagan का थोड़ा वीक है और अभी दुरांत कप में भी वही नजर आया हमको क्योंकि तीन वहां पर प्लेयर खेल रहे हैं इन दी डिफेंस और पहली बार ये तीन प्लेयर एक साथ खेल रहे हैं, प्रीतम एंड सुभाशीष खेले हैं बट फ्लोरेंटिन पोगबा पहली बार इंडिया में खेल रहे हैं और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना, क्या ये सही काम किया है कि AFC कप के इतने बड़े गेम के पहले इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देना, तो ये एक प्रॉब्लम है मैं कहूंगा ATK Mohun Bagan की जो सबसे बड़ी है। बट अटैक में मैं कहूंगा कोई कमी नहीं है ATK Mohun Bagan के, शानदार अटैक है, राइट से आपके आशीष, लेफ्ट से आपके आशिक, फिर बीच में आपके काउको और बूमो आपके साथ में और उसके बाद लिस्टन आपके आगे, इससे अच्छी अटैकिंग आपकी क्या ही हो सकती है कि आपके टॉप इंडियन प्लेयर्स आपकी टीम में है और साथ ही साथ टॉप फॉरेनर्स काउको और बूमो जैसे भी आपकी टीम में है, तो ये अटैक तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डालता है कि ATK Mohun Bagan गोल तो पक्का मारेगी बट डिफेंस के कारण थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर ATK Mohun Bagan की तो हमने बात कर ली, ATK Mohun Bagan के बारे में इससे ज्यादा बात करना मैं नहीं चाहूंगा, मैं ज्यादा फोकस कुआलालंपुर सिटी FC पर डालना चाहूंगा और उनकी बात करते हैं। तो कुआलालंपुर सिटी FC यहाँ पर रेलीगेट हो गए थे 2019 में फ्रॉम द मलेशियन टॉप टायर लीग और सेकेंड टायर में पहुंच गए थे, मगर 2020 उन्होंने जीता या फिर थर्ड पोजिशन पर आए थे हमारे ख्याल से सेकेंड टायर में और फिर वो 2021 में हमारे फर्स्ट टायर में आ गए थे मलेशिया के और फिर उन्होंने मलेशिया कप जीता था 2021 में JDT को हरा के जौहर दारुल ताजुन, जिनके अगेंस्ट BFC ने मैच जीता था सेमीफाइनल का AFC कप का 2016 में। तो JDT जिन्होंने 8 साल से वो लोग लीग जीत रहे हैं मलेशिया का टॉप टायर लीग, उनको मलेशिया कप में फाइनल में 2-0 से हराया यहाँ पर हमारी कुआलालंपुर सिटी FC ने एंड क्वालिफाई करा AFC कप के लिए जिसमें वो अभी खेल रही है। पिछले मैच में एशियन जोन के फाइनल में उन्होंने PSM मकसर को हराया, PSM मकसर आपकी इंडोनेशिया की टॉप टायर क्लब है और उनको 5-2 से यहाँ पर हराया है हमारे कुआलालंपुर सिटी FC ने। अगर रीसेंट गेम देखें तो JDT से 5-0 समथिंग से हारे थे, मगर रीसेंट अगर
परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी रही है। इन्होंने थर्ड पोजीशन, जो अभी लीग में थर्ड पोजीशन टीम है, उनको भी यहाँ पर हराया था रिसेंटली। एंड फिलहाल जो क्वालालंपुर सिटी है वो अपने लीग में फिफ्थ पोजीशन पर है अभी, और इन्होंने रिसेंटली जो कि सेकंड पोजीशन क्लब है सभा करके, उनके अगेंस्ट भी 2-2 से ड्रॉ खेला था, और उसमें इनके दो जो मेन स्ट्राइकर्स हैं वो नहीं खेले थे और फिर भी 2-2 से ड्रॉ खेला था। तो अच्छी ये टीम लग रही है, एक्साइटिंग टीम लग रही है। कुछ प्लेयर्स मैं बताना चाहूंगा जो कि परेशानी खड़ी कर सकते हैं एटीके मोहन बगान के लिए। एक इनके प्लेयर हैं जोसू, जो कि इनके कैप्टन भी हैं एंड अटैकिंग मिडफील्डर हैं, बहुत ज्यादा गोल मारते हैं, 4 AFC कप मैच खेले हैं और 4 गोल मारे हैं। फिर इनके दो स्ट्राइकर हैं मोरालेस और मिंता, ये दोनों भी बहुत अच्छे हैं। मोरालेस आपके कोलंबिया के हैं, मिंता आपके घाना के हैं, एंड दोनों रेगुलर गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हैं एंड प्लेयर्स हैं यहाँ पर हमारे क्वालालंपुर सिटी के। तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं इनसे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। अगर इन 3 प्लेयर को शांत रख लिया एटीके मोहन बगान ने कैसे भी, मगर मुश्किल होगा इनको शांत रखना, क्योंकि जो पेस है इनके अटैक में वो बहुत अच्छी है एंड वो परेशानियां खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा यहाँ पर एटीके मोहन बगान एंड एटीके मोहन बगान के वीक डिफेंस की, क्योंकि डिफेंस एक जो चीज है वो थोड़ी परेशानी में डाल रहा है मुझे और सोच में डाल रहा है कि क्या एटीके मोहन बगान यहाँ पर क्वालालंपुर सिटी FC को हरा पाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस रही है क्वालालंपुर सिटी FC की, ऑब्वियसली उनके पास वो मोमेंटम है और वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी रिसेंटली, और अभी वो एशियन जोन के फाइनल में भी वहाँ पर PSM को हरा कर आ रहे हैं, तो मोमेंटम तो उनके तरफ है। मगर यहाँ पर एटीके मोहन बगान की अगर हम टीम देखें तो एटीके मोहन बगान की टीम ज़्यादा सॉलिड है, एटीके मोहन बगान के पास प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे हैं, मगर क्या एटीके मोहन बगान अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग रख पाएगा और गोल्स कम खाएगा या फिर नहीं कंसीड करेगा अगेंस्ट क्वालालंपुर सिटी, वो सबसे बड़ा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जैसी मेरी सोच है और मुझे थोड़ा सा विश्वास है एटीके मोहन बगान में, एटीके मोहन बगान को ये मैच जीतना चाहिए 2-1 से या फिर 3-2 से, बट इंटरेस्टिंग गेम होगा फॉर श्योर, बिकॉज दोनों टीम अच्छी है, एटीके मोहन बगान भी अच्छी है एंड क्वालालंपुर सिटी भी यहाँ पर अच्छी है, और लास्ट टाइम जब यहाँ पर इस पोजिशन पर थी AFC कप में एटीके मोहन बगान, लास्ट सीजन जब आपको पता हो इंटरजोनल सेमीफाइनल हुए थे, उसमें FC नसब से हार गई थी एटीके मोहन बगान, तो होपफुली वो चीज़ रिपीट नहीं होगी, वो 6-0 वाली डिफीट आज तक मुझे याद है, एंड आई होप दिस टाइम वी विल टर्न द रिजल्ट इन अ पॉजिटिव मैनर एंड हम लोग यहाँ पर ये जीत हासिल करके रहेंगे और इंडिया को और आगे पहुँचाएंगे AFC कप में एटीके मोहन बगान अपने साथ। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्या है आपकी प्रिडिक्शन इस मैच को लेकर, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको लगता है एटीके मोहन बगान जीतेगी या फिर क्वालालंपुर सिटी FC जीतेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फुटबॉल गीक को, बिकॉज ये आपका ही स्टेडियम है फॉर इंडियन फुटबॉल। मैं जल्दी वापस आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक घर पर रहिए और फुटबॉल गीक देखते रहिए।